Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो. तो आज हम बात करने वाले हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में. तो जैसे कि आप जानते हैं ये ऐसा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ वन सच टॉपिक जिसके रिगार्डिंग सारे कैंडिडेट्स को काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं. सो कि कब कौन सा अवार्ड दिया जाता है, कब से स्टार्ट हुए थे एंड देर आर लॉट ऑफ डाउट्स. तो इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं सारे डाउट्स रिगार्डिंग गैलेंट्री अवार्ड्स. तो चलिए शुरू करते हैं. गैलेंट्री अवार्ड्स ऑफिसर्स और मिलिट्री ब्रांचेस के सारे एनलिस्टेड पर्सनल्स को दुश्मन की मौजूदगी में बहादुरी की हाईएस्ट डिग्री के लिए दिए जाते हैं. सो स्वतंत्रता के बाद तीन गैलेंट्री अवार्ड्स दैट इज़ परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र को इंस्टीट्यूट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 और ये तब से इफेक्ट में आए फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से दे केम इन इफेक्ट. तीन गैलेंट्री अवार्ड्स अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 को इंस्टीट्यूट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 4 जनवरी 1952 दैट इज़ थोड़े दिन बाद आफ्टर दी अदर गैलेंट्री अवार्ड्स. नाउ दीज अवार्ड्स को लेटर रीनेम किया गया एज अशोक चक्र. तो अशोक चक्र क्लास 1 को अशोक चक्र, अशोक चक्र क्लास 2 को कीर्ति चक्र एंड अशोक चक्र क्लास 3 को चेंज किया गया और रीनेम किया गया टू शौर्य चक्र. ये सब हुआ इन जनवरी 1967. नाउ अगर आप सोच रहे हैं कि ये गैलेंट्री अवार्ड्स कब दिए जाते हैं, तो ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ये अनाउंस किए जाते हैं ट्वाइस अ ईयर, दैट इज़ फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एंड सेकेंड ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे. गैलेंट्री अवार्ड्स और कुछ डिफेंस डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड्स कॉन्फर किए जाते हैं टू द अवार्डीज और देयर नेक्स्ट ऑफ किन्स बाय द प्रेसिडेंट एट द डिफेंस इन्वेस्टिचर और इन द राष्ट्रपति भवन. लेकिन हम बात करें परमवीर चक्र और अशोक चक्र के अवार्डीज और उनके नेक्स्ट ऑफ किन्स को, तो उनको अवार्ड दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे राजपथ में. चलिए अब नज़र डालते हैं कि टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स. फर्स्ट वन इज वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड जिसमें आते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र. और अगर हम बात करें दूसरे टाइप की तो दैट इज पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जिसमें आते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र. अब हम एक एक चक्र के बारे में अच्छे से बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं परमवीर चक्र के बारे में. तो परमवीर चक्र है हाईएस्ट डेकोरेशन है ब्रेवरी का. सो इट इज़ द हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर ब्रेवरी अवार्ड. साथ ही साथ ये अवार्ड किया जाता है मोस्ट कॉन्स्पिशियस एक्ट ऑफ ब्रेवरी के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी. और ये होता है वेदर, ये जो आप ब्रेवरी है दिस कैन बी वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर. सो इस ब्रोंज मेडल के बीच में स्टेट एम्ब्लम के साथ इंद्रा वज्रा के चार रेप्लिकास हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. और इसका जो रिबन होता है इट इज़ ऑफ पर्पल कलर एंड इसका जो रिवर्स साइड है उस पर एम्बोस होता है परमवीर चक्र बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश और विथ टू लोटस फ्लावर्स बिटवीन द हिंदी एंड द इंग्लिश इंस्क्रिप्शन. अब हम बात करने वाले हैं महावीर चक्र के बारे में. तो महावीर चक्र सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है और ये भी होता है फॉर द एक्ट्स ऑफ कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर. नाउ ये जो मेडल है ये मेड होता है ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर विद अ 5-pointed हेराल्डिक स्टार एम्बोज्ड ऑन इट. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये स्टार एम्बोज्ड है और जो इसके जो स्टार हैं इट पॉइंट्स, जो स्टार के जो पॉइंट्स हैं दे टच द रिम ऑफ द मेडल. इसका जो रिबन होता है दैट इज़ हाफ वाइट एंड हाफ ऑरेंज एंड रिवर्स पे इसके एम्बोस होता है महावीर चक्र वापस से बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश. और जो इंस्क्रिप्शन है उसके बीच में आप देख पाएंगे देर आर टू लोटस फ्लावर्स इन बिटवीन द इंस्क्रिप्शन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. अब हम बात करते हैं वीर चक्र के बारे में. तो वीर चक्र थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है एंड ये होता है फॉर द एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर. ये मेडल होता है मेड ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर विद अ 5-pointed हेराल्डिक स्टार एम्बोज्ड ऑन इट. और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टार के बीच में नेशनल एम्बलम भी एम्बोज्ड होता है. इसके रिवर्स साइड पे एम्बोस होता है वीर चक्र अगैन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड उन दोनों इंस्क्रिप्शंस के बीच में दो लोटस फ्लावर्स इंस्क्राइब्ड होते हैं. अब हम बात करेंगे अशोक चक्र के बारे में. तो अशोक चक्र अवार्डेड होता है फॉर वैलर, करेजियस एक्शन और सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड. अगैन दिस इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ड्यूरिंग
पीस टाइम. तो जो मेडल है ये मेड होता है ऑफ गोल्ड गिल्ड. इसका जो रिबन होता है दैट इज ऑफ ग्रीन कलर विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू इक्वल सेगमेंट्स विद एन ऑरेंज रिबन जो कि बीच में ऑरेंज से सेपरेटेड होता है. सो दोनों साइड ग्रीन है एंड बीच में देयर इज एन ऑरेंज लाइन एंड इस पे इम्बोज्ड होता है अशोक चक्र ऑन द रिवर्स साइड बोथ अगैन इन हिंदी एंड इन इंग्लिश एंड बीच में आप देख पाएंगे देयर इज अ लोटस फ्लावर जो दोनों हिंदी एंड इंग्लिश इंस्क्रिप्शंस को डिवाइड करता है और सेपरेट करता है. अब हम बात करेंगे कीर्ति चक्र के बारे में. सो कीर्ति चक्र डेकोरेशन इज अवॉर्डेड फॉर द कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री. ये मेडल है मेड ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर और ये सर्कुलर होता है इन शेप और जो ग्रीन रिबन है वो डिवाइडेड है इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स बाय टू ऑरेंज वर्टिकल लाइंस. ऑन इट्स रिवर्स इस पे इम्बोज्ड होता है कीर्ति चक्र बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश और लोटस फ्लावर से इनका जो इंस्क्रिप्शन है वो डिवाइडेड और सेपरेटेड होता है. लास्ट हम बात करेंगे शौर्य चक्र के बारे में. तो जो शौर्य चक्र डेकोरेशन है ये अवॉर्डेड होता है फॉर एन एक्ट ऑफ गैलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम. ये सर्कुलर ब्रोंज मेडल होता है विद अ ग्रीन रिबन डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स विद थ्री वर्टिकल लाइंस. अब इसके रिवर्स पे एम्बोस होता है द वर्ड शौर्य चक्र बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश जो कि सेपरेटेड होते हैं विद लोटस. तो हमने आपको सारे जो मेडल्स हैं कैसे दिखते हैं उन पे क्या लिखा होता है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा जल्दी से एंड जस्ट रिवाइज कि कौन सा मेडल कैसे दिखता है व्हाट आर द कलर ऑफ रिबन्स व्हाट इज एम्बोस्ड ऑन इट. एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.